अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एसएलएस टीचर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 42 ऑफ ग्रेड 4 इंग्लिश। टुडे वी स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 15 फ्रॉम बुक एंड टुडेज डेट इज़ 19 अगस्त वेनसडे। सो लेट्स ओपन योर बुक्स, यूनिट नंबर 15। द टॉपिक इज़ इन द पार्क। अगर आप पिक्चर को भी ऑब्जर्व करें तो ये आपको एक पिक्चर का जो सीन है, इस पिक्चर के अंदर जो सीन शो हो रहा है वो भी एक पार्क का है, जिसमें जो है आपको ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ये पर्सन जो हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और जैक्सन जो है वो प्लक करना चाह रहा है, वांट कर रहा है जी, वो प्लक करना फ्लावर्स को, जबकि पीटर जो है उसको वार्न कर रहा है, ठीक है। एक ओल्ड मैन है जो कि बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, उसके साथ जो हैं एक फैमिली है जो कि वॉक कर रही है, और दो बॉयज़ जो हैं वो टू बॉयज़ जो हैं वो साथ में रनिंग वॉक जो हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। और अब साथ में आपको ग्रीनरी और जो हैं फ्लावर्स भी इस पार्क के अंदर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक, पेज नंबर 61। पीपल लाइक द पार्क्स, लोग पार्क्स को पसंद करते हैं। देयर आर मैनी ट्रीज एंड फ्लावर्स इन द पार्क, यहाँ बहुत सारे दरख्त और पौधे होते हैं पार्क्स में। बर्ड ट्रिप देयर हेयर एंड देयर, ट्रिप चहचहाना, परिंदों का चहचहाना, ठीक है। परिंदे यहाँ वहाँ चहचहाते हैं, ये आपको प्रेजेंट फॉर्म में जो है आपको ये सारा लेसन जो है मिलेगा, और इसमें आप देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ हो रही है। पीपल कम देयर फॉर वॉकिंग एंड रनिंग, लोग यहाँ आते हैं चहलकदमी के लिए और भागने के लिए। सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, सम पीपल टेक एक्सरसाइज इन द पार्क, कुछ लोग जो हैं एक्सरसाइज को अंडरलाइन करेंगे कि कुछ लोग, और ट्रिप को भी अंडरलाइन करेंगे, कुछ लोग बाग में या पार्क में जो है वो वर्जिश के लिए आते हैं। टेकिंग एक्सरसाइज मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी को क्या करता है, बहुत ज़्यादा सेहतमंद और मजबूत बनाता है। सम पीपल जस्ट वॉक वाइल अदर्स रन इन द पार्क, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ चहलकदमी करते हैं जबकि कुछ दीगर जो हैं वो भागते हैं पार्क में। ओल्ड पीपल आल्सो कम टू द पार्क, बूढ़े लोग भी पार्क में आते हैं। आल्दो, अगरचे दे कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकते। दे इंजॉय सिटिंग ऑन द बेंचेस, वो पार्क की क्योंकि जो एटमोसफेयर होता है जो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, तो वो लोग जो हैं वो बेंचेस पर बैठना को उससे बैठ कर लुत्फानंदोज़ होते हैं। इंजॉय अंडरलाइन करेंगे, दे टेक इन फ्रेश एयर, वो ताज़ा हवा लेते हैं। चिल्ड्रंस कम टू द पार्क विद देयर मॉम्स एंड डैड्स, बच्चे भी पार्क में अपने अम्मी और अब्बू के साथ जाते हैं आते हैं। दे लाइक प्लेइंग ऑन द स्लाइड्स एंड स्विंग्स, बच्चे जो हैं वहाँ पर स्लाइड्स और झूले जो हैं वो पिंग लेना जो है पसंद करते हैं और खेलना पसंद करते हैं स्लाइड पर। जैक्सन एंड पीटर आर फ्रेंड्स, जैक्सन और पीटर जो हैं वो दोनों दोस्त हैं। जैक्सन सेज, जैक्सन कहता है, लुक एट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खूबसूरत फूलों की तरफ देखो। पीटर सेज, पीटर कहता है, डोंट प्लक द फ्लावर्स, लेकिन फूलों को मत तोड़ो। प्लक, तोड़ना, प्लकिंग फ्लावर इज नॉट गुड, जो है फूलों को तोड़ना अच्छा नहीं है होता। जैक्सन, पीटर एंड ऑल अदर पीपल इन द पार्क एंजॉय वॉकिंग, पीटर और तमाम दीगर लोग जो हैं वो पार्क में जो है चहलकदमी करने से लुत्फ लेते हैं। एंजॉय अंडरलाइन, और रनिंग, भागना, टेकिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना, सिटिंग, बैठना, एंड लेइंग ऑन द ग्रास, और घास पर लेटना, ये इन एक्टिविटीज से लोग जो हैं वो लुत्फ लेते हैं। गोइंग इन द पार्क इज़ रियली गुड, तो पार्क में जाना एक बहुत ही अच्छी और एक हेल्दी जो है एक्टिविटी होती है, और ये आपको आपने देखा है इसके इस पार्क के कोई लेसन को पढ़ने के साथ ऐसा लग रहा था कि हम इमेजिनरी तौर पे थोड़ी देर के लिए हम खुद भी इसी पार्क में मौजूद हैं। तो ऐसी जो है इसी तरह अगर पार्क में जाया जाए तो मज़ीद जो है वो आप फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। तो ये था बच्चों आज की आपकी रीडिंग, आप अंडरलाइन करेंगे वर्ड्स को, ट्रिप चहचहाना अंडरलाइन करेंगे, एक्सरसाइज वर्जिश करना, हेल्दी सेहतमंद, स्ट्रॉन्ग मजबूत, अंडरलाइन आप उन वर्ड्स को साथ साथ करेंगे, आल्दो अगरचे,
नेक्स्ट है जी हमारा स्विंग्स, पींगे झूले, क्या उसके बाद प्लक, तोड़ना, ये आपने वर्ड्स अंडरलाइन किए और इसी लेसन को आप रीड भी करेंगे आज साथ में। इस यूनिट की एक्टिविटी ए और सी जो है आज हम बुक के ऊपर भी सॉल्व भी साथ में करेंगे क्योंकि ये हमारा एक लेसन, एक शॉर्ट लेसन है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्टिविटी नंबर ए डैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 62, कॉपी एंड अंडरलाइन द जेरंड्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस। जेरंड फॉर्म क्या होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ing यूज़ होता है और नाउन प्लेस पर यूज़ हो रहा होता है तो वो हमारा जेरंड को शो करता है। ये आपने ऑलरेडी जो है ग्रामेट्री के यूनिट्स के अंदर भी आप इसको कर चुके हैं। जेरंड सॉरी यूनिट नंबर टेक्स्ट बुक का यूनिट है, आई थिंक सो 5 और 6 है, जिसके अंदर आपने जेरंड्स के बारे में पढ़ा है। अगेन आज आप इस एक्टिविटी के अंदर जेरंड अंडरलाइन करेंगे। पीपल लाइक गोइंग इन द पार्क, जेरंड इज गोइंग। सेकंड, पीपल कम हियर फॉर वॉकिंग एंड रनिंग, वॉकिंग रनिंग आईएनजी के साथ है फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है जी, दे लाइक सिटिंग ऑन द बेंचेस, ठीक है, यहाँ आपका सिटिंग हो गया, अंडरलाइन आप करेंगे। टेकिंग एक्सरसाइज मेक अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, टेकिंग आपका अंडरलाइन क्या हो जाएगा, टेकिंग। नंबर 5, प्लकिंग फ्लावर्स इज नॉट गुड, जेरंड इज प्लकिंग। एंड नंबर 6 इज गोइंग इन द पार्क इज रियली गुड, गोइंग। लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर सी, ठीक है। ये आपने दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करनी है। आज हम वर्ब के बारे में और इस सेंटेंसेस के अंदर जो है वो वर्ब को ही अंडरलाइन भी करेंगे, एक्शन वर्ड्स जिन्हें हम, जो आपका काम है कि जो आपके किसी भी एक्शन को शो करते हैं वो वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉपी एंड इस एक्टिविटी के अंदर कॉपी एंड अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मिस्टर जमाल बाउट 10 किलोग्राम फिश, बाउट खरीदा 10 किलो फिश। अब खरीदना एक एक्टिविटी है जिसमें कॉन्टेक्ट करते हैं बायर एंड सेलर और एक पेमेंट करता है, जबकि दूसरा जो सेल्समैन है वो चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बाउट, बाय की सेकंड फॉर्म बाउट हो गई, तो आपका एक्शन हो गया खरीदा। द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग, ठीक है, आपका एक्शन वर्ब हो गया। द टीचर शैल टीच अ लेसन, टीचिंग इज आल्सो एन एक्शन, ठीक है। अगर कोई बंदा आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है तो वो आपको टीच करेगा कि नहीं करेगा, आप कहोगे ही इज स्टैंडिंग, वो स्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर आपको टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपको एक पर्सन कुछ समथिंग न्यू जो है वो आपको सिखाता है तो वो टीचिंग भी एक आपका एक्शन हुआ। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, फिनिश, ख़त्म किया, मुकम्मल किया, ख़त्म किया मैंने अपना काम, फिनिश। द गर्ल नॉक्ड एट द डोर, ठीक है, नॉक क्या है, दरवाजे पर दस्तक देना, नॉक करना, नॉक करना। तो नॉकिंग जो है आल्सो जो है एक जो है आपकी एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो नॉक जो है यहाँ पर आपका वर्ब हो गया। सारा हैज़ रिटन लेटर, रिटन, राइटिंग एक आल्सो एक प्रोसेस है, एक एक्शन है जो जिसमें आपकी फिंगर्स और आपके हाथों की मूवमेंट जो है वो पेन के साथ होती है, ये एक प्रोसेस है और एक्शन को शो कर रहा है रिटन। आबिद रीड अ स्टोरी, रीड करना भी एक एक्शन है जो आपके किसी भी काम को शो करता है। तो बच्चों आपको कुछ लास्ट में आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है, और ये इरेगुलर हैं। फर्स्ट जो आपको कॉलम दिया गया है ये इरेगुलर हैं, जबकि सेकंड वाला रेगुलर है, क्योंकि इरेगुलर में सेकंड और थर्ड फॉर्म जो हैं रेगुलर जो हैं उसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, जबकि इरेगुलर, जबकि ये दोनों जो आपको कॉलम्स दिए गए हैं ये रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब के दिए गए हैं, क्योंकि इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म आप देखेंगे सेम है। बाय, बाउट, बाउट, फील, महसूस करना, ये सारे आपके एक्शंस हैं, ठीक है। फील, महसूस करना, फील, फैल्ट, फैल्ट। लर्न, सीखना, लर्न, लर्न। प्रे, पे, अदा करना। वाई रिमूव होकर उसकी जगह क्या आ जाएगा, आईडी। पेड, पेड। से, वाई रिमूव होकर आईडी, से, सैड, सैड। नेक्स्ट है जी कैच, कॉट, कॉट, कैच, कॉट, कॉट। सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड। शो, दिखाना, सेल, बेचना, कैच, पकड़ना। शो, शोड, शोड, दिखाना।
टीच पढ़ाना, टीच टॉट टॉट, टीच टॉट टॉट। नेक्स्ट है जी वीप रोना, वीप वेप्ट वेप्ट, वीप वेप्ट वेप्ट। तो ये था बच्चों आज के, आपने ये रेगुलर फार्मा वर्ब है, आपने सेकंड और थर्ड फॉर्म को देखा कि ये दोनों सेम हैं। आज आपने ये एक्टिविटी ए और सी आपने बुक के ऊपर राइट करनी है, साथ में लेसन रीड करके ये दोनों जो आपको कॉलम्स दिए हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, ये आपने लर्न करने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। अपना ख्याल रखिएगा। स्टेबलाइज्ड अला।